रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में फिर एक बार लगा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। इलाज के दौरान 2 वर्षीय मासूम की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। 4 दिनों पहले बुखार आने के चलते बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। रीवा का संजय गांधी अस्पताल हो या फिर गांधी स्मृति चिकित्सालय, यहां के डॉक्टर पर आए दिन इलाज में लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं। कई बार परिजनों ने हंगामा भी किया लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यही वजह है कि इलाज में लापरवाही के चलते मरीजों की जान जाने का मामला सामने आता रहता है। ऐसा ही मामला गुरुवार को एक बार फिर देखने को मिला। रीवा जिले के कटरा के ग्राम बरहट की रहने वाली 2 वर्षीय मासूम को उसके परिजनों ने 4 दिनों पहले इलाज के लिए रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया था। बच्ची को बुखार आ रहा था जिसके चलते उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने इसके लिए डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बच्ची को पहले ICU में भर्ती किया गया था लेकिन उसकी हालत में सुधार था और बच्ची स्वस्थ हो गई थी। उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उनका कहना है कि सुबह बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ थी, खेल रही थी और बात भी कर रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने कोई इंजेक्शन लगाया जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। हालांकि ये डॉक्टरों की लापरवाही का मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, जिसका खामियाजा परिजनों को भुगतना पड़ता है। दूध पिए, पानी पिए, मम्मी का दूध पिए और इसके बाद 9 बजे हम लोग से सब हलो हलो कर रही थी, बात करी। फिर एक माई इस बोली इसका 5 बाटल बाकी है, 5 इंजेक्शन बाकी है, तो 5 बाटल एक साथ में डाली। जब 5 बाटल इंजेक्शन में बिटिया एकदम बेहोश हो गई, आँख उलटने लगी, बिटिया पीली पड़ गई और इसके बाद ICU में ले गए। 5 बाँस चढ़ के उसके चपाने लगे और इसके बाद बोलते हैं बिटिया तुम्हारी खत्म हो गई। हम लोगों से लपट लपट के फाइल छुड़ाने लगे। हम लोग बाहर चली जाओ, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। मैं दरअसल कटरा के रहने वाला निवासी हूँ बरहट से, तो यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए हम आज 4 से 5 दिन हुआ यहाँ पर आए हुए। तो जबकि बच्ची हमारी पहले ICU में थी, इसके बाद उन्होंने बच्ची स्वस्थ हो गई बिल्कुल, उसको बाहर निकाले, दूसरे वार्ड में कर दिए। इसके बाद में उन्होंने इंजेक्शन पता नहीं कैसे सुबह 9:32 पर बच्ची एकदम स्वस्थ बोल रही थी, हंस रही थी और थोड़ा कुछ मतलब खा भी रही थी। तो उन्होंने पता नहीं मैडम एक आई और कौन सा इंजेक्शन दे दिया, एक इंजेक्शन दे दिया, तो पता नहीं कैसे वो पूरी बच्ची 5 मिनट में अटक गई।